Hello everyone, very very good morning to everyone. So guys, this is a course for UPSC CSE examination. Theme is Let's Crack UPSC CSE, and under this theme we are dealing with the Indian Express analysis. The Indian Express analysis जहाँ पर मैं आपको different different innovative manner के अंदर Indian Express पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको जो news है उसका crux समझ में है और जिससे कि वो चीज़ आपके paper के अंदर reflect करे, आपके answer writing copy के अंदर reflect करे, इस तरह से अपन इसके अंदर पढ़ाते हैं. But before start, I want to let you know that you are at India's largest learning platform. India के largest learning platform में आपका स्वागत है, जहाँ पे मेरे जैसे 100+ top educators अपने different different innovative manner के अंदर यहाँ पर आपको teaching provide करते हैं. I'm talking about the Unacademy. Right now you are at Unacademy platform. राइट. और अनअकैडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आई है. कुछ इनिशिएटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस दैट यू आर वॉचिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूपीएससी जीएसई कॉम्बैट कॉम्पिटिशन इज देयर. ठीक है, दिस विल हेल्ड एवरी संडे, हर संडे. जैसे इस बार जुलाई 3rd पे हुआ था, 11 बजे हर संडे को ये कॉम्पिटिशन होगा. ठीक है, और इस कॉम्पिटिशन के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ. लाइव डीबी कोड विल गिव यू फ्री एनरोलमेंट. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको प्राइजेस भी मिलेंगे अगर आप अच्छी रैंक यहाँ पर लाएंगे तो. राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज वीकली करंट अफेयर टेस्ट. ये जो टेस्ट होता है ये हर सैटरडे को 5 बजे होता है. ये भी आप लाइव डीबी कोड को यूज करके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने होते हैं. ये भी लाइव डीबी कोड को यूज करें और यहाँ पर भी आपका फ्री एनरोलमेंट हो जाएगा. राइट. इसी तरह से अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज निकाली है. दिस इज द पेड कोर्स बट प्राइस इज वेरी वेरी नॉमिनल. जो स्टूडेंट्स मेन स्ट्रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2022 के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर. इसके अलावा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम है. ठीक है, जो कि 2022 के लिए, वो स्टूडेंट्स जो भी 2022 के लिए मेन्स लिख रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है. राइट. इसी तरह से अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हाँ ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई शुड बी ज्वाइन द अनअकैडमी. तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यू कैन चेंज द कोर्स. यू डू नॉट लाइक वन एजुकेटर, इफ यू डू नॉट लाइक वन कोर्स यू कैन शिफ्ट ऑन द अनदर कोर्स. दिस फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अनलिमिटेड व्यूज. व्यूज जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, कितनी भी बार आप देख सकते हैं. यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन फ्लिप दिए हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रेसिव नोट्स और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अनअकैडमी में प्रोवाइड किए जाते हैं. और यू हैव टू रिमेंबर इस कोड लाइव डीबी. लाइव डीबी कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे. राइट. ये समथिंग नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एक टीम है अलग से मेंटर्स की जो आपको गाइड करेगी, पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करेगी, लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, मींस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस कराएगी, आपकी स्टडी को प्लान किया जाएगा किस तरह से आपको स्टडी करना है. ओपन हाउस विद एजुकेटर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओपन हाउस विद मतलब ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं आप एजुकेटर के साथ. ये सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं. 6 जुलाई से नया बैचेस स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे. ठीक है, यूपीएससी सीएससी बैचेस, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 और 2024 के ऊपर है. और यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बैचेस गोइंग ऑन. 2024 के अंदर भी हिंदी इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल बैचेस गोइंग ऑन. ठीक है, तो जो भी बच्चे जिस तरह के आप यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है, क्लासेस उस तरह की क्लासेस आपको मिल जाएंगी. राइट. चलिए, कुछ क्लासेस मेरी भी हैं. आप प्लस कोर्स ज्वाइन करेंगे जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास आपको मिलेगी, एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड ये वाली क्लास आपको मिल जाएगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस. एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड अभी 7th जुलाई को भी स्टार्ट हो रहा है. दो स्टूडेंट्स हु आर प्लस स्टूडेंट्स, ध्यान रखें 7th जुलाई के बाद, ठीक है, आपके लिए 31 सेशंस में लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं पूरा का पूरा एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड विद केस स्टडी विद फिलोसफर्स विद गवर्नेंस पार्ट सब कुछ इसके अंदर पढ़ा दूंगा. राइट. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे भी कॉम्प्रेंसिव कोर्स है, ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो कोर्स है 14 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है. ये कोर्स अभी 7th जुलाई को हो रहा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा. इससे पहले डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन इज देयर, ऑप्शन कार्निवल इज गोइंग ऑन. ये चार्जशीट है अनअकैडमी की, यहाँ पर ये कोड याद रखें लाइव डीबी कोड. यहाँ पर 10% आपको लाइव डीबी कोड से मिल जाएगा, प्लस माय पर्सनल गाइडेंस देयर विद यू, प्लस जो भी बेनिफिट्स हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के, वो सब इसी कोड से आपको मिलेंगे. ठीक है, इसी तरह से आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर भी लाइव डीबी कोड यूज कर सकते हैं, और अनअकैडमी पे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अलग से भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी लाइव डीबी कोड यूज करना है आपको. ठीक है, चलिए तो देखिए फ्री क्लासेस इंडियन एक्सप्रेस की फ्री क्लासेस है. इसके अलावा 11 AM पे इकोनॉमिक्स की रहती है फ्री क्लास. ठीक है, प्लस 4 PM पे, और टाइम एक मिला है मुझे 4 PM पर, तो 4 PM पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ. ठीक है, कभी कभार, ठीक है, 4 PM पर भी अपना क्लास रहता है. तो ये फ्री क्लासेस हैं जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हैं. स्पेशल क्लास के अंदर आप अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. देखिए ये जो कोर्स है इसकी मैंने बात कर रहा था, प्लस कोर्स है जो कि 7th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से फोकस किया गया है कि 2022 के स्टूडेंट्स को भी ये फायदा देगा. राइट. इसके अंदर क्या है, 31 सेशंस है. ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 46.5 आवर्स का ड्यूरेशन है. इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको. राइट.
और 6 सेपरेट सेशंस रहेंगे केस स्टडीज के, राइट। तो बहुत अच्छा एक बैच बनाया है, कम 31 सेशंस के अंदर ही आप जेएस पेपर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम आपको देखिए जेएस पेपर 4 में सिर्फ 46.5 आवर्स, मतलब 50 आवर्स के आसपास का कोर्स रहेगा, ये आपको पूरा का पूरा आपका जेएस पेपर 4 कंप्लीट कर देगा, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के अंदर ये फीचर्स रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या क्या आपको याद करना है उन आर्टिकल्स के अंदर से, वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल फोकस ऑन हाउ टू राइट आंसर्स, ये हम बताते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला न्यूज जो होगा, फर्स्ट ही पेज पे एक न्यूज है आपके पास कि पैनल्स कॉल फॉर बूस्टिंग प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स इन द गवर्नमेंट मील प्रोग्राम। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स चलाता है, ठीक है, जिसके अंदर माल जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको फाइट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए प्रोग्राम होता है, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, मिड डे मील का ही प्रोग्राम, राइट। तो ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है अपने पास, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स जो है ना, राइट, ये सारे प्रोग्राम्स क्या है कि कंट्री के अंदर से अंडर न्यूट्रिशन जो माल न्यूट्रिशन जो है उससे फाइट करने के प्रोग्राम्स हैं। अभी एक पैनल बनाया, ठीक है, एक पैनल बना, उस पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि भैया रोटी सब्जी खिलाने से काम नहीं चलेगा, प्रोटीन भी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए डाइट के अंदर, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस न्यूज़ के अंदर कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अभी दिए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से मतलब कंपोजिशन क्या होता है डाइट का, और इसने पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दिया ये अपन इसके अंदर समझेंगे। इज दिस क्लियर, आर्टिकल समझ में आया? तो यहां पर देखिए इसके अंदर बोला गया है कि COVID-19 जो पेंडेमिक है, ठीक है, COVID-19 पेंडेमिक है, उसने बहुत सारे साइलेंट क्राइसिस लेकर आया। देखो एक तो होता है कि क्राइसिस पेंडेमिक आ गया अपना, ठीक है, पेंडेमिक आ गया COVID-19 वो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आदमी बीमार हो रहा है, इसमें खांसी उठ रही है, ठीक है, इसके अंदर फीवर हो रहा है, मर रहा है आदमी, ठीक है, ये हमको दिख रहा है, दिस इज विजिबल वन। कुछ नॉन विजिबल पेंडेमिक्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं इनविजिबल पेंडेमिक्स, ठीक है, इसके कारण कुछ हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, जैसे सोसाइटी के अंदर क्या है, सोसाइटी के अंदर न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया है, सोसाइटी के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको याद हो तो मैंने पिछली बार पढ़ाया था शैडो पेंडेमिक नाम से एक चीज पढ़ाई थी, शैडो पेंडेमिक मतलब इस पेंडेमिक की छाया क्या, कि विमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होने लग गया है, ये COVID-19 का ही। तो ये जो चीजें होती है ना, दिस इज इनविजिबल पेंडेमिक्स, दिस आर व्हाट, दिस आर शैडो पेंडेमिक्स, ठीक है, जो इसके कारण हुए हैं, इस वाले कोरोना के कारण ये सब पेंडेमिक्स हुए हैं। वन ऑफ द पेंडेमिक्स और शैडो पेंडेमिक्स अगर हम बोलेंगे और शैडो क्राइसिस हम देखेंगे तो ये है COVID-19 पेंडेमिक इज लाइकली टू हैव एग्रेवेटेड द साइलेंट क्राइसिस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। अंडर न्यूट्रिशन का जो क्राइसिस है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो अब ये जो पैनल बनाए, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने ये ऑब्जर्व कराया, ये रिकमेंडेशन दिया है कि प्रोटीन रिच फूड जैसे कि एग, नट्स, लेग्यूम्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक, फ्लोएट एंड विटामिन ए शुड बी लीगली मैंडेटेड इन द डाइट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम में रोटी सब्जी देने से काम नहीं चलेगा, ये चीजें भी देने पड़ेंगे, प्रोटीन के लिए एग भी देना पड़ेगा, नट्स भी लेग्यूम्स भी देने होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन, ये सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहां पर लिखा होता है, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है कि क्या क्या देना चाहिए, अभी हम क्या दे रहे थे और अब क्या देना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो वो कहां लिखा होता है, शेड्यूल सेकंड के अंदर, अभी हम क्या दे रहे हैं इन बच्चों को, ठीक है, डाइट के अंदर क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या दे रहे हैं, आई विल लेट यू नो। और अब इस पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दिया है ये मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम के अंदर आप क्या लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर समझिए कि देखिए इसके अंदर बोला है कि शेड्यूल सेकंड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का है, जिसके अंदर अभी डाइट का कंपोजिशन दे रखा है कि ये हो, उसको चेंज करना है, चेंज शुड बी देयर इन NFSA डाउन, जो कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स जिसके अंदर लिखे हुए हैं ना, शेड्यूल सेकंड ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या लिख रखा है, क्या क्या न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे पीएम पोषण स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये सब गवर्न होती है इस शेड्यूल सेकंड से ही। शेड्यूल सेकंड के अंदर जो लिखा होता है ना न्यूट्रिशन कितना मिलना चाहिए, उससे ही ये स्कीम्स गवर्न होती है। तो यहाँ पर शेड्यूल सेकंड को चेंज करने की जरूरत है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं NFSA के अंदर एक शेड्यूल सेकंड है, शेड्यूल सेकंड के अंदर ये लिखा हुआ है कि डाइट के अंदर क्या क्या कंपोजिशन रहनी चाहिए। अब ये कंपोजिशन इस पैनल को सही नहीं लग रही, इंटर मिनिस्ट्रल पैनल जो है वो बोल रहा है ये कंपोजिशन बढ़िया नहीं है भाई, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर विटामिन नहीं है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो NFSA हैव बीन प्लेस्ड सिंस 2013, ये पैनल ऐसा बोलता है, डिजायर्ड आउटकम हैज नॉट बीन अचीव्ड, अभी तक डिजायर्ड आउटकम तो हमको मिलेंगे,
है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, ठीक है, ये फाइव ने ऐसे बोला था कि बहुत ही वरिंग ट्रेंड दिखाया था और माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो गया कुछ स्टेट्स के अंदर, तो ठीक है, कुछ स्टेट के अंदर बहुत सारे परसिस्टेंट लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है, एनएफएचएस ने बताया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पेंडेमिक के बाद और ज्यादा एग्रीवेट हो गई ये प्रॉब्लम, तो हमको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो इस स्टेप्स के लिए एक पैनल, रिकमेंडेशन के लिए पैनल रखा गया, इंटर मिनिस्ट्रल पैनल, ठीक है, और सारे उस पैनल ने रिकमेंडेशन दी कि भैया रोटी सब्जी खाने से पूरा का पूरा माल न्यूट्रिशन नहीं जाएगा बच्चों के अंदर से, डाइट के अंदर हमको गवर्नमेंट स्कीम्स की डाइट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन भी डालना पड़ेगा, विटामिन भी डालना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस न्यूज, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या बता रहा हूँ, शेड्यूल सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किस किस तरह की चीजें देनी चाहिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी क्या लिखा हुआ और इस पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो देखो अभी है ना जो लिखा हुआ है, अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है, प्राइमरी स्कूल और ये अपर प्राइमरी स्कूल है, तो मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर फूड ग्रेन्स जो है 100 ग्राम दे, ठीक है, और यहां पर दे रखा है अपर प्राइमरी के, अभी पहले अपन प्राइमरी वाला देख लेते हैं ना, 100 ग्राम्स दे, और पल्सेस कितना दे, 20 ग्राम्स दे, वेजिटेबल्स कितना दे, 50 ग्राम्स दे, ऑयल फैट कितना दे, 5 ग्राम्स दे, बस ये चीज लिख रखी है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कहीं प्रोटीन डाइट में आ रहा है क्या, बच्चों की डाइट में कहीं प्रोटीन आ रहा है यहाँ पर? सर नहीं आ रहा प्रोटीन, तो सर प्रोटीन का तो नाम नहीं है। विटामिन आ रहा है कहीं? सर विटामिन ऑयल में थोड़ा सा आ जाता होगा, बट बाकी तो नहीं आ रहा है, अलग से तो नहीं आ रहा। तो इस डाइट के अंदर ना प्रोटीन है ना विटामिन है, तो ये 2019 से अभी तक चल रही है ये डाइट चल रही है, बच्चे यही खा रहे हैं, ठीक है, मिड डे मील स्कीम के अंदर या फिर पोषण स्कीम के अंदर यही सब चल रहा है। तो अब इन्होंने कहा है, प्रपोजल ने क्या कहा है प्राइमरी के लिए, क्या कहा है कि प्राइमरी बच्चों को ये जो है ना इसको ना देकर क्या दिए, 70 ग्राम ऑफ सीरियल्स सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है, जिसके अंदर हाई क्या होता है, इसके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं, ठीक है, 25 ग्राम्स ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स जिससे कि प्रोटीन आएगा आपके पास, 75 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल जिसके अंदर लीफी वेरायटी है, लीफी वेरायटी मतलब हरी सब्जी होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग हरी, 10 ग्राम्स ऑफ नट्स एंड सीड्स ये देना चाहिए बच्चों को, थाली में क्या क्या होना चाहिए बच्चों की, पहले चार चीजें थी बस ये, अब क्या क्या होना है, 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, देखिए 170 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 2 मिलीग्राम ऑफ जिंक, 3.5 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 50 माइक्रोग्राम फ्लोएट एंड 100 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एज एडिशनल आइटम, 150 ग्राम ऑफ मिल्क एंड 100 ग्राम ऑफ फ्रूट्स हैव बीन सजेस्टेड, ये चीजें देनी चाहिए आपको, आप दे क्या रहे हैं, आप ये दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कभी तुमसे नेशनल, अब देखो अब एग्जाम के अंदर कैसे उतारना है इस चीज को, ये तो ये रिकमेंडेशन है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये रिकमेंडेशन है ना, आपको एग्जाम के अंदर कैसे उतारना है, एग्जाम में आपसे पूछी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, और बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी, ठीक है, पर फिर भी क्या है कि अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, व्हाट आर द रीजंस और हाउ यू कैन एलिमिनेट दैट, ठीक है, गिव अस सम सजेशन, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये वन ऑफ द पॉइंट है ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वन ऑफ द पॉइंट शुड बी दिस वन, कि आप ये बताएंगे कि देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंदर जो मिड डे मील है प्राइमरी स्कूल के अंदर, उसके अंदर फूड ग्रेन्स पल्सेस वेजिटेबल ऑयल इतना इतना दे रखा है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे पल्सेस भी डालना चाहिए, लेग्यूम्स भी डालना चाहिए, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, 25 ये बोल दो बस, पल्सेस लेग्यूम्स भी डालना चाहिए, हमें नट्स सीड्स भी डालना चाहिए, हमें कैल्शियम जिंक आयरन ये भी डालना चाहिए, हमें माइक्रो विटामिन्स जैसे विटामिन्स लाइक माइक्रोग्राम विटामिन्स जैसे विटामिन ए ये डालना चाहिए, हमको फ्रूट्स भी देना चाहिए, हमको मिल्क भी देना चाहिए एडिशनल आइटम्स के अंदर, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। अब ये तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये दिमाग किसका, इंटर मिनिस्ट्रल का कमेटी ने जिसने रिसर्च करके तुमको ये बताया कि ये चीज है, पर तुम वहां पर खुद बनकर लिख रहे हो कि भाई हमने ये देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि भैया ये चीजें हैं, ठीक है, मतलब ऐसा फील आना चाहिए जो एग्जामिनर को, हमें लगता है कि ये सब चीजें करनी चाहिए, और आप देखेंगे ये सब चीजें रिसर्च वर्क है जो आप खुद बता रहे हैं कि भाई कैल्शियम जिंक आयरन और ये सब चीजें, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी के लिए, प्राइमरी को मिल क्या रहा था, ये मिल रहा था, मिलना क्या चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपके अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जब तक रिकमेंडेशन को माना नहीं जाए तब तक ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें दी जाती है प्राइमरी के लिए, कौन कौन सी चीजें दी जाती है अपर प्राइमरी के लिए, ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी होगी, जब तक रिकमेंडेशन को नहीं मानते, रिकमेंडेशन मान लेंगे तो फिर ये टेबल याद करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस वन? अच्छा ये तो हमने प्राइमरी के बारे में बात कर लिया, अपर प्राइमरी मतलब जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको 150, यहाँ क्या लिख रखा है आज की डेट में क्या मिल रहा है, फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं 150 ग्राम,
पल्सेस मिल रही है 30 ग्राम्स, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं 75 ग्राम्स, ऑयल एंड फैट मिल रहे हैं 7.5 ग्राम्स, ठीक है। पर मिलना क्या चाहिए, ये बोलते हैं मिलना ये सब चाहिए, ठीक है, ये सब मिलना चाहिए जिसके अंदर जिंक भी है, आयरन भी है, फोलिएट भी है, ठीक है, माइक्रोग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन ए भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, 10 ग्राम ऑयल एंड 50 ग्राम एग भी है, 50 ग्राम नट्स एंड सीड्स भी है, ये सब चीजें दे क्या रहे हो आप। देखो इतना मिलना चाहिए, ये कमेटी ऐसे बोल रहा है इतना मिलना चाहिए, दे क्या रहे हैं, ये दे रहे हैं सब हम, ये वाला दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, चार चीजें डाल देते हैं थाली में, दैट इज ऑल। जबकि मिलना क्या चाहिए, मिलना ये चाहिए। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर क्या क्या मिलना चाहिए मैंने आपको बता दिया, मिल क्या रहा है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। टू द पॉइंट हमको प्रिपरेशन करनी है, पहले सुन लो, इधर उधर नहीं जाना है, टू द पॉइंट हमको प्रिपरेशन पे रहना है, ठीक है। आगे हम देखें इसके अंदर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बात है, देखिए प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर क्या क्या है, 600 किलो कैलोरीज यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए पर मील गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेक होम राशन, ये होना चाहिए, टेक होम रोशन होना चाहिए, ठीक है, कि होम में ले जाकर खा सके, इस तरह का होता है। पर ड्राफ्ट प्रपोजेस इसने क्या करा है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, 600 किलो, इसने कहा 600 किलो कैलोरी तो होनी चाहिए, इतनी एनर्जी वाला फूड तो मिलना चाहिए, इसके साथ 20 से 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को हमेशा आप देखेंगे तो कोई भी डॉक्टर जो सजेस्ट करता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, डॉक्टर ही सजेस्ट करता है कि कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन तो आपके पेट में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ही सब कुछ बनता है, राइट, प्रोटीन से ही आपका बच्चा बनेगा, प्रोटीन से आपकी हेल्थ सुधरेगी, ठीक है। तो कम से कम, नहीं तो क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 25 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये लिख रखा है 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, मिनिमम 335 मिलीग्राम कैल्शियम, जिंक, आयरन, माइक्रोग्राम्स ऑफ फ्लोएट एंड 240 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन ए। अभी क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है, ये बोलती है कि ये मिलना चाहिए। तो कभी भी विमेन से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, ठीक है, इस तरह से आ जाए कि हमारे यहाँ पर जो प्रेगनेंसी इज राइट, इसके ऊपर कोई इशू आ जाए, ठीक है, विमेन के ऊपर, तो आप ये लिख सकते हैं, एक लाइन ये लिख सकते हैं इसके अंदर, समझ में आ रहा है कि हमें अब अभी हम देखें एडजस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इतना है और हमें करना क्या चाहिए, ये चीजें हमको करनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस इन द एग्जामिनेशन। तो अभी ये चल रहा है, ये दो चीजें मिलती है, पर मिलना क्या चाहिए, ये सब चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर अभी मिल क्या रहा है, अभी देखिए ये चीज मिल रही है प्राइमरी के अंदर, ये चीज मिलती है, मिलना क्या चाहिए प्राइमरी के अंदर, ये चीज मिलनी चाहिए, इसी तरह से अपर प्राइमरी के अंदर ये चीज मिल रही है, मिलना क्या चाहिए, ये चीज मिलनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ये रिकमेंडेशन दे रही है जो इंटर मिनिस्ट्रल कमेटी है, वो रिकमेंडेशन इस तरह का दे रही है, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल बी बैक, सेकंड जो एडिटोरियल होगा अपना दैट विल बी ऑन द, और आर्टिकल होगा वो होगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट के अंदर, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, है ना।
जस्ट टू एनी डाउट नेक्स्ट अपन करते हैं नेक्स्ट इज योर फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर प्लांट ठीक है फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और ये कहाँ बनाया अभी ये आप इसके अंदर देखेंगे तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो अभी तेलंगाना के अंदर बनाया है ठीक है ये आपको इसको प्रीलिम्स का फैक्ट याद रखना है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब सर फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब यहाँ पर देखो ये जो प्लांट है ना फ्लोट कर रहा है समझ में आ रहा है इधर उधर जाता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट राइट और यहाँ पर ये देखिए कितने बड़े जो एरिया है ठीक है उसको कवर कर रहा है और ये सी के मतलब ये जो है वाटर के ऊपर ये फ्लोटिंग एयर प्लांट है अब इसका फ्लोटिंग सोलर प्लांट है अब इसका क्या क्या फायदा रहता है अभी लेट यू नो ठीक है ओके वॉइस प्रॉब्लम है क्या प्लीज लेट मी नो वॉइस वॉइस इज नॉट क्लियर काइंडली लेट मी नो दैट वॉइस इज नॉट क्लियर ऑन वॉइस इज क्लियर मैं खुद ही सुन लेता हूँ वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या प्लीज लेट मी नो जल्दी से बताओ बच्चों वॉइस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है फिर अपन स्टार्ट करें बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को समय कम रहता है अपने पास पढ़ना बहुत होता है वॉइस इज ओके और नॉट जल्दी से बताओ प्लीज लेट मी नो नो सर मतलब कि ओके में तो ओके लिखिए नॉट ओके में नॉट ओके लिखिए नो सर यस सर मत लिखिए चलो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं जो भी वॉइस है अभी उससे ही टैकल करें ठीक है कल से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें प्रिया को क्लियर नहीं आ रही बाकी को क्लियर आ रही है तो एडजस्ट कर ले सकते हैं थोड़ा इको कम हुआ होगा राइट चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास यहाँ पर देखिए सोलर प्लांट है अब सोलर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है इसका फायदा क्या है सबसे पहले तो आप समझ लीजिए एक तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिस इज इन तेलंगाना ठीक है तेलंगाना के अंदर है और 100 मेगावाट का है कम से कम ये दो फैक्ट याद रख लो ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं ठीक है और किसके द्वारा बनाया गया तीसरा चीज है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया ठीक है तीन चीजें हैं एक तो इंडिया का भारत का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट ठीक है तो भारत का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहां पर है तेलंगाना के अंदर ठीक है तेलंगाना के अंदर उसमें तेल डाला हुआ है समझो सोलर प्लांट के अंदर तेल डाला हुआ है राइट तो तेलंगाना के अंदर है वैसे याद करने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कितना है 100 मेगावाट का है और तीसरी जो प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कौन इसको बनाया एनटीपीसी एनटीपीसी ने इसको बनाया ठीक है तीन चीजें जो तीन चीजें आपको प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में याद रखनी होगी चलिए आगे हम चलते हैं 100 मेगा देखिए पीआईबी इंडिया की न्यूज है 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल एंड एनटीपीसी रामागुंडम क्या है एक नाम है जहां पर तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है ना ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन और यहाँ पर आप देखेंगे इसके फायदे देखो है ना सोलर प्लांट बनाने का फायदा क्या देखो सबसे पहला नुकसान देखते हैं सबसे पहले नुकसान इसका कॉस्ट ज्यादा रहता है कि भाई एक तो आप फार्म में बनाओ और एक आप पानी के ऊपर बहता हुआ बनाओ तो ऑब्वियसली आपको पता है कॉस्ट ज्यादा होगा इसका बट इसका फायदा क्या है कि एक तो इतनी जमीन है नहीं अपने पास कि हर जगह सोलर प्लांट लगाते फिर ठीक है तो पानी के ऊपर कोई रह नहीं सकता तो पानी खाली पड़ा तो इसके ऊपर अपन सोलर प्लांट बना सकते हैं ठीक है एक तो यह है कि जमीन जो होगी वो लिमिटेड है तो अपन ने पानी पे बना दिया अब इसको दूसरा फायदा सोचो कि यार मान लीजिए यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं दैट इज ओके ठीक है अब सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ने लग गई ठीक है तो ये फ्लोट कर सकता है एक तो ये पॉइंट है ठीक है दैट्स व्हाई फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ना एक चीज ये है दूसरी चीज ये है कि नीचे से वेपराइजेशन हो रहा है गर्मी में और वेपराइजेशन के कारण क्या हो रहा है इस प्लांट को हीट मिल रहा है इसको सोलर पैनल्स को हीट मिल रहा है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा हीट मिल रहा है प्लस ऊपर से भी हीट आ रहा है ठीक है तो डबल डबल फायदा हो गया एनर्जी को दो तरीके से अपन ने यूज कर लिया नीचे से भी हीट आ रहा है ऊपर से भी हीट आ रहा है ठीक है यहां पर आप देखें
थर्ड इम्पोर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसके अंदर समझना है। तो देखिए, सोलर प्लांट या तो ग्राउंड पे डाला जा सकता है या फिर वाटर बॉडीज की सरफेस पे डाला जाता है। हम ये पढ़ रहे हैं कि वाटर बॉडी की सरफेस पे डाला गया फ्लोटिंग सोलर प्लांट उसको बोलते हैं। दो दिस फ्लोटिंग फार्म्स आर ए बिट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, देखिए, एट ए टाइम व्हेन द लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड्स आर अनअवेलेबल, क्योंकि हमारे पास अभी जमीन की कमी है, तो जमीन की कमी है तो हमने कहा क्या कर दिया, हमने सोलर प्लांट यहाँ पर लगा दिया और इससे अपने ये चीज फिक्स हो गया। दे आर मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अंडरनीथ प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरनीथ कीप्स देम कूल, और इसके कारण क्या है, दे आल्सो रिड्यूस द वाटर इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, प्लस ये कूल भी रहा है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भर रही है तो ये कूल भी हो जा रहा है। ठीक है, प्लस वाटर इवेपोरेशन जो हो रहा है वो भी कम हो रहा है, जहां तक ये है वहां पर वाटर इवेपोरेशन कम होगा, वाटर इवेपोरेशन कम होगा तो वाटर लेवल यहाँ पर बनी रहेगी। दे ऑल्सो रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन देयर बाय सेविंग मोर वाटर और द हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन अगर हम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी बच जाता है। ठीक है, उस पानी को हम हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर ले। ठीक है, तो एक तो वेपराइजेशन कम हो रहा है, एक वेपराइजेशन कम हो रहा है, एक इसको जो हीट बोलते हैं ह्यूमिडिटी वाली हीट वो मिल रही है, प्लस ये ठंडा भी रह रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे सूरज चमक रहा है, तो सूरज से तो ये पैनल नहीं रहा है। सर मारा इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, हाउ आर दिस पैनल्स केप फ्लोटिंग, फ्लोटिंग कैसे रहते हैं ये, तो देखिए इसके अंदर दे रखा है कि भाई कितना ब्लॉक्स का बनाया है, किस तरह से फ्लोट करता है, कितनी मोटर्स लगी हुई है, आपके काम करनी है। ठीक है, आप ये समझिए बस, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर इसके अंदर होते हैं। राइट, हाउ डज इट हेल्प द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या कैसे हेल्प करता है, बाय रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को रिड्यूस करके। ये तो सारा पानी उड़ जाएगा, उसके ऊपर क्या लग रखा है, अब यहाँ पर पानी था, मान लीजिए पानी के ऊपर आपने क्या लगाया, सोलर प्लांट लगा दिया, तो पानी का इवेपोरेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल्सो विद द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट मोस्टली ऑफ द एसोसिएटेड इवेक्यूएटेड अरेंजमेंट अवेलेबल लैंड कैन बी पुट इन बेटर यूज। अब जो लैंड पे पहले ये लैंड पे लगना था, पर हमने देखा यार लैंड तो है नहीं, और जो लैंड है उसके ऊपर तुम स्कूल बना सकते हो ना, पानी के ऊपर थोड़ा ना स्कूल बना सकते हो, तो पानी के ऊपर सोलर प्लांट बना दिया, वहां पर जो लैंड बची उसके ऊपर स्कूल बना दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर है जो आपको इसमें समझना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें समझना है, एक तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप ये समझेंगे कि भाई इवेपोरेशन को रोक रहा है, ठीक है, इवेपोरेट होने से वाटर को रोक रहा है, दूसरा क्या है, ऊपर से एनर्जी इसको मिल रही है, ठीक है, और ये फ्लोट भी कर सकता है, तो फ्लोटिंग प्लांट है इस तरह से। कहाँ पर है, तेलंगाना, किसने बनाया, एनटीपीसी ने, कितना पावर है, 100 मेगावाट पावर है। राइट, ये तीन चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ओके, प्रीलिम्स के पर्पस। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जिसको आप लिख सकते हैं, एग्जाम के अंदर लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम के अंदर कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जिसको हमेशा आपको बहुत ही सेंसिटिव वे के अंदर देखना होता है। ठीक है, वेदर मतलब आपकी थिंकिंग कुछ भी हो, पर आपको बहुत ही सेंसिटाइज होकर उसको देखना होगा। राइट, देखिए पहला सेक्शन होता है वीमेन, वीमेन को हमेशा आपको ये देखना है कि वीमेन जो है डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और इसका अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करना। ठीक है, अपने पर्सनल एटीट्यूड मत दिखा देना कि सर वीमेन्स को तो बहुत कुछ मिला हुआ है ना, अब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मेल एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट तो बहुत हो चुका है, ऐसा मत लिख देना है ना, ऐसे क्रांतिकारी थॉट्स मत लिखा। तो यहाँ पर जो है ना वीमेन जो सेक्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और उसकी हमेशा आप क्या कहेंगे, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे कि हमको ये सब चीजें इसके लिए पॉजिटिवली करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आता है, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली अनबायस नहीं रह पाते, ठीक है, बायस्ड हो जाते हैं, वो है कास्ट सेक्शन। ठीक है, कास्ट वाला जो सेक्शन है, कास्ट के अंदर अगर आप देखें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको हमेशा सपोर्ट के अंदर बात करनी है ना, डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमारा सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम उसकी तरह ही हमको उसको फॉलो करना होता है। राइट, तो ये जो न्यूज है वो आईआईटी बॉम्बे ने अभी इंट्रोड्यूस करा है, मैंडेटरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और अगर हम देखें लॉजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे के अंदर स्टूडेंट गए, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब जनरल कैटेगरी वाले इन स्टूडेंट्स को बहुत ही क्या करते हैं, हिराकत भरी हुई नजरों से देखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि तुम तो मेरिट किलर हो, ठीक है, तुम लोगों ने क्या करा है, बिना मेरिट के आए हो यहाँ पे, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो, तुम्हारा तुम पढ़ नहीं सकते, तो तुम्हारे अंदर इतनी मेरिट नहीं है, रिजर्वेशन का फायदा लेकर तुम लोग आ गए हो। ठीक है, ये नॉर्मल टॉक्स हो गए। अब इस बच्चे के ऊपर जो रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, इसके ऊपर इस चीज का बहुत असर पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर खुद के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और ये एक तरह से कॉमन लैंग्वेज है ना, फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं, पूरे फ्रेंड सर्किल में बोल दिया कि भाई तू तो रिजर्व कैटेगरी का है और तू तो मेरिट किलर है, तेरा तो इतना था ही नहीं कि तू आ सके आईआईटी के अंदर, आज तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो यार, तुम्हारे मजे है। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, और उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी बैड इफेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। तो इसके लिए इसके अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि भाई कास्ट अवेयरनेस जनरेट, की कास्ट रिजर्वेशन क्यों है, ठीक है, प्लस
इसका क्या क्या क्यों इसको दिया गया है, ठीक है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स क्या क्या हुई इसके ऊपर, ये सब चीज़ें बताएं स्टूडेंट्स को, अवेयर करें जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो IIT बॉम्बे के अंदर एक सेल है, HCST सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना ऑफ IIT बॉम्बे, इसने क्या करा है, इसने रिकमेंडेशन दिए कि भाई हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है, एक मैंडेटरी कोर्स लाएंगे कास्ट अवेयरनेस के ऊपर, एक मैंडेटरी कोर्स लाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कभी आपको लिखना हो कि भाई कास्ट सिस्टम जो है उसको कैसे ब्रेक करें, है ना। देखो कुछ कुछ सिस्टम है सोसाइटी के अंदर जो आपको याद रखने पड़े, पैट्रियार्कल सिस्टम है इंडियन सोसाइटी के अंदर, दिस इज द आप कहेंगे यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सेकंड जो फीचर है सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, सेकंड जो फीचर है दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, राइट। तो आप ये जो दो इश्यूज हैं है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और बहुत ही पॉजिटिव मैनर के अंदर लिखना होगा। इंटरव्यू में भी बहुत पॉजिटिव मैनर में बोलना होता है, लिखना भी बहुत पॉजिटिव मैनर में होता है, कभी भी बायसनेस की तरफ नहीं दिखाई जाती, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसके कारण बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई वहाँ पर जाके क्रांतिकारी बन जाते हैं उसके कारण फेल हो जाते हैं। यहाँ पर सुन लो, चलिए, तो मैंडेटरी कोर्स है कास्ट अवेयरनेस के ऊपर, ये आप इसके अंदर देखिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी कोर्स ऑन द कास्ट अवेयरनेस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द SCST सेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच बिलीव दैट सेंसिटाइजेशन इज अ वे टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, कि अगर हम सेंसिटाइजेशन करेंगे, ठीक है, कि अगर इसके अंदर सेंसिटाइजेशन कर देंगे लोगों के अंदर कि भाई कास्ट अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप कर देंगे, तो इसको भी अपने ग्रुप में ले लेंगे, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इससे इस तरह से क्लास कास्ट स्लर्स जो होते हैं, कास्ट रिमार्क्स जो होते हैं, वो पास नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखते हैं, व्हेन कॉन्टेक्टेड द सेल साइड इन द रिटन स्टेटमेंट क्या क्या बोला इसने, देखिए, एंड एट IIT बॉम्बे इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोर सेंसिटाइजेशन इवेंट्स वुड एनहांस द इंक्लूसिविटी, ठीक है, जितने ज्यादा सेंसिटाइजेशन इवेंट्स करें, सेंसिटाइज करें इन लोगों के प्रति, इन लोगों को, तो उससे इंक्लूसिविटी बढ़ेगी और कंप्लेंट्स होंगी वो रिड्यूस होंगी। आर यू गेटिंग दिस वन? फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कास्ट बेस्ड एंड रेसिस्ट स्लर्स, ठीक है, स्लर्स मतलब रिमार्क्स जो अपन करते हैं, दैट हैव बीन एंटर्ड इन द कॉलोक्वियल लैंग्वेज, कॉलोक्वियल लैंग्वेज मतलब कॉमन लैंग्वेज में आ गए, जैसे मैंने आपको बताया तो कॉमन लैंग्वेज में आ गए, वुड हेल्प एलिमिनेट सच स्लर्स एंड दस इंप्रूव द कॉर्डियलिटी इन एनी एनवायरमेंट, ठीक है, कि हम ये SCST सेल इंस्टीट्यूट की क्या कर रही है, ये करना चाहती है। तो कैसे एग्जाम के अंदर, अब एग्जाम के अंदर किस, हमको तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से पढ़ना है भैया, ठीक है, तुम क्या सोचते हो, किस तरह से वो चीज़ आपको चेंज तो करनी चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, बट अभी एग्जाम्स की परस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊँ तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि एक बहुत अच्छा इनोवेशन लिया है, इनोवेशन लिया है किसने, IIT बॉम्बे ने, ठीक है, IIT बॉम्बे के SCST स्टूडेंट्स, SCST जो सेल है उसने लिया है, जिसके अंदर कास्ट अवेयरनेस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए कास्ट अवेयरनेस के लिए एक कोर्स करेंगे, दिस विल क्रिएट अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर होगा, और जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर कास्ट स्लर्स होते हैं, कास्ट रिमार्क्स होती है, वो क्या होंगे, वो कम होंगे, और एक एनवायरमेंट ऑफ कॉर्डियलिटी बैठेगा किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। तो ऐसे और भी इंस्टीट्यूट को करने चाहिए, ऐसा आपको बोलना चाहिए, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल आपको देना है ना, इससे क्या होगा, इससे पढ़े लिखे जैसे लोग लगोगे, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसने न्यूज़ पे फोकस करता है और ऐसी न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, कि इस बंदे ने ये देखा कि कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटा, इसकी थॉट चल रहा होगा, ये न्यूज़ देखी उसने पकड़ ली, ठीक है। ऐसा अगर ये चीज़ नहीं देंगे, आप ऐसे लिख देंगे सिर्फ कि इंस्टीट्यूशन के अंदर करना चाहिए कुछ, नहीं, एग्जाम्पल के साथ लिखो, दैट विल गिव ए मोर, मतलब मोर पावर टू योर आंसर, ठीक है, मोर वेटेज दे देगा आंसर को कि हाँ ठीक है इसके पास एग्जाम्पल भी है किस तरह का करना है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द ओपन डिस्कशन, है ना, ओपन डिस्कशन करवाया इन्होंने SCST सेल के अंदर ने, ठीक है, तो लोगों ने क्या बोला, स्टूडेंट्स जो कि कौन है, जो कि लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला दे स्पोक अबाउट हाउ देयर इज नो होमोजेनिटी इन द वे डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंस कास्ट एज इट वेरीज फ्रॉम द सिंपल टॉन्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ऑन हाउ स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन द रिजर्वेशन सीट्स आर किलर ऑफ द मेरिट, इस तरह से बोला जाता है, टू इवन गिविंग राइज टू सेल्फ डाउट अमंग द सच स्टूडेंट्स बाय मेकिंग देम फील इनकम्पिटेंट, बच्चों को ऐसे बोला, अगर ऐसे बोला जाएगा बार बार कि आप तो रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, जबरदस्ती आ गया यहाँ पर, ठीक है, आप इतना पढ़ नहीं पाए, ठीक है, आपने इसलिए रिजर्वेशन का फायदा उठा, तो बच्चा अपने अंदर इनकम्पिटेंट अपने आप को फील करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करी गई इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और इस तरह से इसमें इसको बोला गया कि IIT सेल ने एक प्रोग्राम उठाया, दैट इज नोन एज कास्ट अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम उठाया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉट बाय सेल, ये एक एडिटोरियल है, अभी तक अपन न्यूज़ पढ़ रहे थे, ये एक एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के अंदर क्या बताया गया है कि हमने ना बहुत सारी चीज़ें करी हैं इकोनॉमी के अंदर, महंगाई करने के लिए, कम करने के लिए, बट दैट इज वेरी शॉर्ट साइटेड,
ठीक है, बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, उसको हमको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, हमको हमको इस तरह से स्टैट्स लगाकर या फिर इस तरह की चीज़ें करके नहीं करना है, मैं बताता हूँ उसको समझ में आएगा। देखिए अप्रैल 6 तक, 6 से आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर नहीं गए। ठीक है, अप्रैल 6 से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर नहीं गए। ठीक है, और अभी मई 22 के अंदर तो अभी क्या हुआ था, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो गए थे बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। बट आप देख रहे हैं अप्रैल 6 के बाद कितना ज्यादा ऑयल क्राइसिस चल रहा है मार्केट के अंदर, पता है आपको कि रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट अभी दबा के नहीं रखे ना प्राइस, तो प्राइस शूट अप करें बहुत ज्यादा। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रिटेल प्राइस को बढ़ने नहीं दे रही है, पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस को बढ़ने नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ, आपको पता है इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग दिस नियरली 3 मंथ ब्रांड फूड ऑयल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग अबाउट $15 पर बैरल। देखो उनका ना क्रिटिसाइज करने में कुछ नहीं जाता, हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं कर देती, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, गवर्नमेंट रशिया से क्यों नहीं खरीदती, ये क्यों नहीं कर लेती, वो नहीं कर, क्यों प्राइस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस 110 रुपये हो गए। पर रियलिटी में अगर आप देखेंगे ना, तो अगर अभी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही होती तो क्रूड प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, 15 पर बैरल बढ़ गया है, समझ में आ रहा है, 15 पर बैरल बढ़ गया है। तो उससे बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अभी आप जैसे पेट्रोल मिल रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा हमें पेट्रोल मिलना था, पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने सप्रेस कर रखा है उसको, गवर्नमेंट ने कैप्साइज कर रखा है, कैप लगा रखी है भाई तुम्हें। अब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जैसे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है ये, पर आप जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए समझा देता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है, मैं मान लो यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं पेट्रोल बनाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ठीक है, मेरे को जो क्रूड ऑयल पेट्रोल का मिलता है वो 330 रुपीज का मिलता है, मैं उसके ऊपर रिफाइनरी के अंदर इसको डालता हूँ, 70 रुपीज 40 रुपीज रिफाइनरी के अंदर यूज होता है, एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं, 20 मान लो, ठीक है, रिफाइनरी के अंदर यूज होता है, मेरे को 50 रुपये का पेट्रोल मिलता है, मैं 10 रुपये इसके ऊपर प्रॉफिट कमाता हूँ और 60 रुपये का दुनिया को देता हूँ, ठीक है, 10 रुपये का टैक्स लग जाता है, मान लो 10 रुपये का टैक्स लग रहा है, 70 रुपीज को दुनिया को देता हूँ, दुनिया वालों 70 रुपीज का ले लो, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि ये जो था ना 30 रुपीज ये बढ़ गया, ये हो गया 40 रुपीज, 40 रुपीज हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब सर इसका प्राइस 10 रुपीज और बढ़ना पड़ेगा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी, गवर्नमेंट बोल रही है भाई बढ़ा मत देना, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तुमको इतने का ही बेचना पड़ेगा, ठीक है, कितने का, 70 गए, ठीक है, हमने जितना कम कर सकते थे हम ड्यूटी, हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, अब तुमको 70 में बेचना पड़ेगा। ये बोलेगा अरे भाई 80 का भाव चल रहा है भाई, हम क्या करें। तो ये जो होगा, मैं जो हूँगा वो क्या करूँगा, मैं दूसरी कंट्रीज में जाऊँगा, मैं यूएसए में बेच दूंगा मेरा पेट्रोल, बात सही है कि नहीं है, यूएसए में मेरा पेट्रोल बेच दूंगा, बट गवर्नमेंट यहाँ पे भी बैन लगा देगी। अब मान लीजिए यूएसए के अंदर चल रहा है, मान लो भाव के 110 में दे दो हमको, तो मैं यूएसए के अंदर चल जाऊँगा पेट्रोल बेचने, पर गवर्नमेंट यहाँ एक्सपोर्ट के अंदर भी क्या कर देगी, बैन लगा देगी, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अपना पेट्रोल यहाँ ले जाऊँगा तो अगेन घर के अंदर क्या हो जाएगा, घर के अंदर आग लग जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन, सबको ये पॉइंट समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई, इज दिस क्लियर, जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी आंसर दिया करो। देखो इंडियन एक्सप्रेस की क्लास के अंदर आपको बिल्कुल एक्टिव रहना, क्योंकि सुबह सुबह की क्लास है, यहाँ एक्टिव नहीं रहना तो पूरे दिन भर क्या हो जाएगा, पूरे दिन भर थकान रहेगी। यहाँ पर आपको अपने माइंड को खोल लेना है, आपको देखना है किसी भी चीज़ को इजी वे के अंदर अपन कैसे पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में कैसे सोच सकते हैं। ये अगर स्टार्ट कर दोगे 8 से 9 बजे तक, बस एक ही तो घंटा है, एक घंटा पूरा एक्टिव रखो और इससे पूरा का पूरा दिन बन जाएगा तुम्हारा। यही मेरा पर्पस है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाने का, नहीं तो इसमें इतनी मेहनत है मैं आपको बता नहीं सकता, पर यही पर्पस है जिससे कि सुबह सुबह आप पढ़ें और सुबह सुबह आप पढ़कर इसको क्या कर लें, एक बहुत अच्छा आपका दिन निकले, ठीक है, पढ़ाई के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, बाहर बेचूंगा, पर बाहर एक्सपोर्ट बैन कर देगी। अच्छा, एक्सपोर्ट बैन कर देगी बाहर, तो अंदर डॉलर आना बंद हो जाएगा, जो डॉलर आ सकता था वो नहीं आएगा, और डॉलर अंदर आना बंद हो जाएगा तो मेरा रुपीज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, रुपीज का भाव जो हो जाएगा वो गिर जाएगा, समझ में आ रहा है, ये सिनेरियो समझ में आया, ठीक है। मतलब वापस बताते हैं, जैसे मैं हूँ पेट्रोल बनाने वाला, ठीक है, ये मान लीजिए मैं पेट्रोल बनाने वाला हूँ, मेरे को 30 रुपये का पेट्रोल मिलता था इंटरनेशनली, सऊदी अरेबिया या फिर रशिया से जो भी आता था 30 रुपये का आता था, 20 रुपये मैंने क्या करा इसका प्राइस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, मतलब रिफाइन कर दिया इसका, और 10 रुपये का क्या है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को, और 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, 70 रुपये का मैं बेच,
एक दिन क्या होता है, यूक्रेन का वॉर हो जाता है और 30 के कारण ये 40 हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, 40 हो जाता है। 40 हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर तो बेच नहीं देगी गवर्नमेंट, कह रही 70 देखो, मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई 80, इतने में को पता चला यूएसए 110 में भी खरीद रहा है, इतना तगड़ा वाला क्राइसिस आ रहा है, तो मैं यूएसए को बेचने लग जाऊंगा। मैं यूएसए को बेचूंगा तो गवर्नमेंट कहेगा भाई हमारे घर में कौन देगा पेट्रोल, तुम यूएसए को बेच दोगे तो फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन लगा देगी गवर्नमेंट और इससे डॉलर कम हो जाएगा, राइट। डॉलर कम हो जाएगा तो रुपीज विल डेप्रिशिएट, रुपीज डेप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये देखो, ड्यूरिंग दिस नियरली 3 months ब्रांड क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव राइजन टू 15 पर बैरल एंड द रुपीज वीकन फ्रॉम 75 टू 78.92 डॉलर। आर यू गेटिंग दिस मनी? ये दो लाइनें एक साथ लिखी हुई समझ में आ रही है तुमको, क्यों लिखी? नॉट बींग अलाउड टू रेज द प्राइसेज हैज मेड ऑयल कंपनीज हेजिटेंट टू सेल द फ्यूल एट अ लॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट। समझ गए कि भाई जब प्राइसेज तुम बढ़ाने नहीं दे रहे हो तो इससे क्या कर रहे हैं, इससे डोमेस्टिक मार्केट में हम नहीं बेच रहे हैं, ये लाइन समझ में आ गई। फिर देखिए आगे, ऑन द अदर हैंड एलिवेटेड ग्लोबल प्राइस, ग्लोबल प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमको ETF की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स की, डीजल की, पेट्रोल की, इसमें हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उधर बेचें। दिस हैज बिकम फर्दर वायबल विद डीपली डिस्काउंट, और हमको रशिया जो है डीपली डिस्काउंट के ऊपर पेट्रोल भी दे रहा है, तो हम डीपली डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल भी दे रहा है, तो हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज करके बाहर बेच सकते हैं और आराम से डॉलर कमा सकते हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये भी बोल रही है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम करा है बाय इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल शंड बाय द वेस्टर्न बायर्स, वेस्टर्न बायर्स ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो मैंने सस्ते में क्या कर लिया, वेस्ट रशियन क्रूड ऑयल को ले लिया और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो फिनोमिनल प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे फिनोमिनल प्रॉफिट कर रहे हैं बाय प्राइवेट ऑयल कंपनीज जो हैं, ठीक है, तो वो फिनोमिनल की यही चीज ये क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को बेच रहे हैं, यहाँ से रशिया से लेते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोल बनाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को भेज देते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली क्रूड ऑयल किससे नहीं ले पा रहा है, रशिया से। बट रियलिटी क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बोल रही है ना सीधा, रियलिटी है बट द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 6 पर लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना और ज्यादा हमको देना पड़ेगा पेट्रोल और ATF के अंदर, एंड रुपीज 13 पर लीटर ऑन डीजल। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी ना कि रशिया से सस्ता लें। देखो पूरा वर्ल्ड अभी चाहता है कि भाई हमको पेट्रोल दे दो, डीजल दे दो, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, यूएसए तो बहुत परेशान है, बताऊंगा अभी। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है ना वो इससे भी बढ़िया एडिटोरियल है, मतलब जिसके अंदर ऑयल के बारे में बात कर रहा था। तो यूएसए जो है वो चाहता है कि हमको ऑयल दे दो, ठीक है भाई दे दो ऑयल किसी भी कीमत पर दे दो, हम तो लेने को तैयार है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ये कि हम रशिया से सस्ता क्या करें, सस्ता क्रूड ऑयल लें और उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करके महंगा बेचे किसको, अमेरिका को। पर इसके ऊपर क्या है कि ये एक्साइज ड्यूटी इसमें लगा दी, इस एडिटोरियल में इस तरह से। इसके साथ साथ इवन फॉर एवरी टन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल शिप्ड आउट एक्सपोर्टर विल हैव टू अंडरटेक टू सप्लाई हाफ टन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि एक टन अगर तुम बाहर बेचोगे तो हाफ टन तुमको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा, ये इसके अंदर बता रखा है। ये जो मेजर्स हैं इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, ये मेजर्स जो हैं दैट इज पॉपुलिस्ट मेजर, पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं और रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड है कि ना, पॉपुलिस्ट मेजर्स लें क्योंकि ये लोगों को खुश करने के लिए मेजर्स करें। कंट्री की सोचो, डॉलर जो है डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज कितना लुढ़क गया है, अपन बढ़ा सकते थे उससे, बाहर से डॉलर ले सकते थे कैसे, पेट्रोल बेचकर, पर पेट्रोल बेचने के ऊपर तो तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर बैन क्रिएट कर दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आवाज हो रहा है, अब ठीक होगा थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आवाज़ तो, आई होप नाउ इट इज़ ओके। अभी ऐसे रख के बोलूँगा तो कैसे, चलो मैं ट्राई करूँ, है ना। तो ये देखिए, इन एडिशन फॉर एवरी टन ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल शिप्ड आउट एक्सपोर्टर विल हैव टू अंडरटेक सप्लाई हाफ ए टन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर देखिए, पॉपुलिस्ट मेजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके कारण क्या होगा कि डोमेस्टिक रिटेल फ्यूल को आपने कैप कर रखा है और डोमेस्टिक रिटेल फ्यूल को कैप करके आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं करने दे रहे, तो यहाँ से ना डॉलर आ रहा है ना इनको फायदा हो रहा है। स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज में हैव टू ऑप्शंस, में हैव नो ऑप्शन, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट रिफाइनर्स आर इफेक्टिवली बीइंग फोर्स टू डू द सेम नाउ। तो इस सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सिस्टम के अंदर, राइट। चलिए अब हम इसी के ऊपर एक बड़ा एडिटोरियल पढ़ते हैं, द एनर्जी डिसऑर्डर, और इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि पूरा का पूरा एनर्जी क्राइसिस क्या है
ठीक है, कैसे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और उससे वर्ल्ड का ऑर्डर किस तरह से बदल रहा है, ये सब चीजें इसमें बताया जाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? कैसे एनर्जी क्राइसिस और उसके कारण वर्ल्ड का ऑर्डर किस तरह से बदल रहा है, ये इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर देखिए यूक्रेन का जो क्राइसिस है ना, इसने पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर जो है वो बदल के रख दिया है। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर जो है ना उसको डिसऑर्डर कर दिया है। जैसे कि पहले बहुत अच्छी चीज चल रही थी कि यूरोपियन कंट्री सारा रशिया से ले रहे थे ऑयल आराम से मस्त, थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया से डिपेंडेंसी बिल्कुल कम हो गई थी, ओपेक कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई थी, रशिया से आराम से ले रहे थे और थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया से ले लेते थे और थोड़े से और नेशन से लेकर बहुत अच्छा काम चल रहा था। पर जैसे यूक्रेन और रशिया का वार हुआ तो रशिया ने इनको देने से बंद कर दिया, रशिया के ऊपर इन्होंने ही सेंक्शंस लगा दिए। अब इससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो गया। अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये चाहती हैं कि हम वापस से जाएं किसके पास, सऊदी अरेबिया के पास, ये सऊदी अरेबिया हमको माफ़ कर दो, हमें वापस से क्या करो, हमें वापस से ऑयल दो। पहले ये लड़ गए थे, यूएसए पहले लड़ गया था सऊदी अरेबिया से, ठीक है, अब वापस जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा सिनेरियो चेंज होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चेंज होगी और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी अभी लट्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। भाई अभी भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो ऐसे सुनोगे मुंह के अंदर तो घुसा नहीं सकते माइक को ना। आई विल मतलब मेक इट क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्लियर हो जाएगा, राइट? डोंट, अभी क्या है, ईयरफोन लगाकर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इस पर फोकस करोगे तो सुनाई देगा। ठीक है, यूक्रेनियन क्राइसिस हैज रेडिकली अल्टर्ड काउंटर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप एंड क्रिएटेड टेंगल ऑफ रिलेशनशिप इशूज फॉर इंडिया। बहुत सारे इंडिया के लिए भी इसका इफेक्ट है। कभी ऐसा आ जाए कि यूक्रेन की वार का इफेक्ट क्या हुआ इंडिया के ऊपर, या फिर एनर्जी जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो अभी चल रहा है उसका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया के ऊपर, तो इसके ऊपर तुम ये एडिटोरियल यूज कर सकते हो। पूरा का पूरा सिस्टम जो है, होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच जो है, वो यहाँ पर चेंज हो गया है और इंडिया को पूरा का पूरा एक अलग से डायमेंशन क्रिएट करना पड़ेगा अपना, ठीक है, अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए 6 महीने पहले जब यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था, रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था 6 महीने पहले, तो ये डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड हुआ था 6 महीने पहले कि भाई रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं हो रहा है, राइट? तो ये डिसाइड हुआ था, ये सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि कोल बेस्ड जो प्लांट है ना, कोल बेस्ड जो एनर्जी वो चली जाएगी, वो नहीं रहेगी, अब नया जमाना आ गया, अब रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, कोल बेस्ड एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, लोग बार इन्वेस्टमेंट भी करना बंद हो गए थे और ऐसे समझ लिया था कि अब ये एक है ना चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे लोग शिफ्ट होंगे। पर जैसे यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, और ऑयल क्राइसिस आया, तो अब इन लोगों को लग रहा है कहीं से भी ऑयल निकले, चाहे कोल को जलाकर ऑयल निकाले, फॉसिल फ्यूल को जलाकर ऑयल निकाले, हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमको किसी भी तरह से एनर्जी चाहिए, पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा था, पर अब यहाँ पर है कि यहाँ पर एनर्जी हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा। 6 मंथ बैक पहले क्या था, पहले ऐसा माना जा रहा था जैसे फॉसिल फ्यूल्स एंड द इंडस्ट्री बिल्ट अराउंड देम वर इन टर्मिनल डिक्लाइन, वो डिक्लाइन में जाएगी, एंड दैट इरा, जो इरा है किसका, ऑयल और गैस का इरा है, ठीक है, एंड कोल, ये सब बंद हो जाएगा, ऑयल गैस कोल नहीं, विंड एनर्जी से निकालेंगे साहब, ठीक है, सोलर पावर प्लांट बनाएंगे, इस तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इस तरह की चीजें होंगी, है ना, इस तरह से ही खत्म हो जाएगा, ऑयल गैस कोल ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये इसके अंदर बोला गया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या होता है, बट टुडे वन इज हार्ड प्रेस टू सपोर्ट दैट कंटेंशन, अब ऐसा नहीं है, अब तो भाई जहां से एनर्जी मिले वहां से ले लो, बिकॉज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस विल लीड टू क्लाइमेट चेंज, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या थे, शिफ्ट हो रहे थे, कोल बेस्ड पावर प्लांट को शिफ्ट कर रहे थे कि भाई हमको रिन्यूएबल, पर अब कोल बेस्ड हो कैसा भी हो कितना भी धुआं निकले हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गोइंग ऑन। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखिए द पेट्रोलियम मार्केट इज टाइट एंड प्राइस आर रेंजिंग अप, ठीक है, ऑयल प्राइसेस आर क्लोज टू 120 बैरल, ठीक है, बैरल हो रहा है ये 120 बैरल हो रहा है पर, एंड गैस प्राइस हैव जंप टू 500%, इतना इंक्रीज हो गया है, और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट ऑन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन ईज्ड। अब जो लोगों ने पहले सोच लिया था कि भाई हमको कोल और गैस से नहीं करना है ना, गवर्नमेंट अपनी अपने गवर्नमेंट ये कह रहे थे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं होगा, उन्होंने अब रिलैक्सेशन दे दिया, उन्होंने ईज कर दिया, एंड सेवरल कंट्री हैव रिमूव्ड द आउटपुट लिमिट्स ऑन द थर्मल पावर जनरेशन एंड रीओपन मंथ बैक कोल माइंस, जो बिल्कुल बंद हो गई थी कोल माइंस उनको भी वापस खोल दिया गया कि भैया अब यहाँ से एनर्जी निकालेंगे। अब कोल माइन से एनर्जी निकालोगे तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट व्हाट, लॉट ऑफ पॉल्यूशन,
एंड इट विल लीड टूवर्ड द क्लाइमेट चेंज, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है। अब देखिए द शेयर प्राइस ऑफ द ऑयल मेजर आर ट्रेडिंग एंड एट मल्टीलेटरल मल्टीलेयर हाई, बहुत हाई के ऊपर शेयर प्राइसेस के अंदर चल रहे। अब इंडिया के अंदर, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव, बहुत ही फोकस्ड आर्टिकल है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचे दो तीन चीजें हुई है। सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया इज नाउ बिकम ए मेजर परचेजर ऑफ रशिया, पहली चीज ये है, तीन चीजें ये बताएगा। पहली चीज ये है कि इंडिया जो है वो मेजर परचेजर बन गया है रशिया का, ठीक है, कि रशिया से बहुत सारा ऑयल ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसको डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट मंथ इट रिपोर्टेडली परचेज एन एवरेज ऑफ 1.2 एमबीडी, ठीक है, ये एमबीडी यूनिट है, ठीक है, मिलियन बैलर बैरल पर डे, ठीक है, एमबीडी मिलियन बैरल पर डे ये होगा इसका मतलब, है ना। तो ये देखिए इसने इस तरह से खड़ा था, मतलब खरीदा था रशिया से, और रशिया से ये सबसे ज्यादा खरीदा गया है, ठीक है, अभी तक का सबसे ज्यादा, और हम अभी रशिया नंबर वन पे आ गया है, हमारे को ऑयल एक्सपोर्ट करने के अंदर रशिया नंबर वन पर आ गया है, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए इन दिस फिगर इज करेक्ट, रशिया इज नाउ आवर लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द क्रूड ऑयल सरपासिंग सऊदी अरेबिया एंड द इराक, इराक और सऊदी अरेबिया को क्या कर रहा है, ये सरपास कर रहा है, राइट। दूसरा देखिए द रीजन, रीजन इसलिए क्योंकि प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है रशिया, रशिया हमको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है कि भैया आप तुम डिस्काउंटेड प्राइस में ले लो, मेरे से वैसे भी कोई नहीं ले रहा तो तुम तो ले लो डिस्काउंटेड प्राइस में। द डिसीजन इज ड्रिवन बाय द गुड इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स सिक्योरिटी, और हम उससे लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब बट अब यहाँ पर क्या है कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे यूरोप है, ठीक है, अमेरिका है, इसको पसंद नहीं आएगा ये। यूरोप और अमेरिका कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, कहीं पे भी इंडिया वाला दिखता था तो उसको क्रिटिसाइज करते थे कि तुम तो रशिया से ऑयल ले रहे हो। पर वो तो शुक्र है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, ठीक है, एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने उनकी पूरी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि भैया जितना हम ले रहे हैं ना, जितना हम एक दिन में खरीदते हैं उतना तो, जितना हम एक महीने में खरीदते उतना तो तुम ओवरनाइट में ले लेते हो, मतलब एक दिन में ले लेते हो, दोपहर में ले लेते हो, आफ्टरनून में ले लेते हो तुम, ठीक है, आधे दिन में जितना लेते हो ना उतना तो हम इससे पूरे महीने में ले रहे हैं, राइट। इस तरह से बोला कि बोले हिपोक्रेसी की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कि आप लोग जो हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं आप भी तो ले रहे हैं, रशिया रशिया से अभी भी यूरोप के अंदर क्या आ रहा है, अभी भी यूरोप के अंदर ऑयल आ रहा है इनस्पाइट ऑफ सैंक्शनिंग, और आप हमको क्या कर रहे हैं, हमको कल्प्रिट बनाते रहे। तो उन्होंने पूरा का पूरा इसको ओपन अप कर दिया। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड डज नॉट सी इट इन दिस वे, हमको हमारे लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि रशिया हमको सस्ते में दे रहा है तो हम ले रहे हैं, पर वेस्टर्न वर्ल्ड इसको इस तरह से नहीं देख रहा है, ठीक है। अब क्या है, दे वर इनिशियली पब्लिकली क्रिटिकल बट व्हेन इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द कैटल मस्ट नॉट कॉल द पॉट ब्लैक, ये देखिए बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, कैटल मस्ट नॉट कॉल द पॉट ब्लैक, मतलब कि एक्चुअली पॉट ब्लैक क्यों हो रहा है, कैटल के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसके इसको नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये सब सिचुएशन किसके कारण आ रही, हम रशिया से क्यों ऑयल ले रहे हैं, रशिया ने सस्ता क्यों करा ऑयल, क्योंकि यूक्रेन का वॉर है, यूक्रेन का वॉर किस कारण हो रहा है, बिकॉज यूक्रेन का वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए की पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है, तो तुम्हारे कारण वॉर हो रहा है और तुम हमें क्रिटिसाइज करो कि तुम इससे क्यों ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जर्मनी स्टिल इम्पोर्ट्स 35% ऑफ इट्स गैस फ्रॉम द रशियन, जर्मनी भी तो खरीदता है, हमको क्यों बोल रहे हो, राइट। इस तरह के हमने इसको बोला है ना, तो अब जब वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरह से हमने बोला तो वेस्टर्न वर्ल्ड अब पब्लिकली जो हमको क्रिटिसाइज करता था, आप देखेंगे आजकल पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता, प्राइवेट में क्रिटिसाइज करता है, राइट। द यूके यूके यूएस एंड यूरोप आर हाउएवर पार्टनर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, बट हमको ये देखना होगा कि हमारा लिए यूएसए यूके और यूरोप बहुत अच्छे पार्टनर्स है ना, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं हमारे लिए, हमारे लिए इकोनॉमिक पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इस कारण से यूएस यूके और यूरोप अगर नाराज हो गए तो दैट विल लीड्स टूवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टू प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम अभी रशिया से सस्ता ऑयल तो खरीद रहे हैं, हमको मजा भी बहुत आ रहा है, हम इसको कभी भी हम दबके भी नहीं रह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई देखो तुम भी खरीदो तो हम भी खरीद रहे हैं हमसे, पर अगर ये लोग नाराज हो गए तो दैट कैन लीड्स अ वेरी वेरी बिग क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इन फ्यूचर, बट देखते हैं हमारी डिप्लोमेसी कैसी होती है। तो इसमें ये लिख रखा है कि ऐसा हो सकता है इंडिया के लिए, देखें सो इवन दो अवर डिफरेंसेज आर ऑफ द फ्रंट पेज द क्वेश्चन डज नॉट अराइज व्हाट माइट बी द मीडियम टू लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ अवर सपोर्ट टू रशिया, कि हमारा सपोर्ट जो रशिया के लिए हम दे रहे हैं उसका लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, किससे, कैपिटल हिल, कैपिटल हिल मतलब लंदन, ठीक है, व्हाइट हॉल, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूएसए, यूएसए लंदन यूरोपियन कमीशन, इससे क्या होगा, स्टाइल में लिखा है कैपिटल हिल जो है ना वो वाशिंगटन के अंदर है, राइट, रेजिडेंशियल एरिया जो है, राइट, व्हाइट हॉल जो है दैट इज इन द लंदन, राइट, और यूरोपियन कमीशन, इनसे हमारा क्या रिलेशन रह जाएगा आने वाले समय के अंदर,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी होगी कि अभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, है ना, पर आने वाले समय में क्या होगा ये हमको देखना होगा। एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के अंदर, मतलब रशिया से ऑयल खरीदने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीद के अपना काम चला रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, रशिया एंड चाइना, देखो रशिया अब क्या कर रहा है, इंडिया को तो बेच रहा है, और इंडिया के अंदर इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर हो गया रशिया के लिए ऑयल का, रशिया चाइना को भी बेच रहा है, और चाइना और रशिया के बीच में क्या है रहा है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनती जा रही है, बिकॉज दोनों का दुश्मन एक यूएस है, ठीक है, दोनों का दुश्मन कौन है, यूएस है। तो देखो आप यहां पर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप यहां पर देखें, यहां पर देखेंगे आप, इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे चाइना जो है दैट इज कमिंग क्लोज टू रशिया, ठीक है, बिकॉज रशिया को चाइना जो है एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट प्रोवाइड कर रहा है ना, चाइना इज प्रोवाइडिंग मार्केट टू रशिया, आर यू गेटिंग दिस वन, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण रशिया और चाइना के अंदर अच्छा रिलेशनशिप आएगा। बट आप देखेंगे चाइना और इंडिया के अंदर बेकार रिलेशनशिप है, और चाइना और पाकिस्तान के अंदर गुड रिलेशनशिप है, और रशिया यूक्रेन के बाद ये जो सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो देखो, रशिया चाइना एंड पाकिस्तान, ये ज्यादा इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, होगा, और इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट फॉर इंडिया और नॉट, यस इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ व्हाट, रशिया यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पर देखिए रशिया एंड चाइना हैव फॉर लॉन्ग शेयर्ड व्यूज दैट यूएस इज बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, यूएस बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, और इन दोनों के बीच में है ना अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने जब यूक्रेन पे वॉर किया होगा तो चाइना से पहले बात करी होगी, ठीक है, चाइना से पहले बात, क्योंकि उस वक्त ओलंपिक्स हो रहे थे, और ओलंपिक्स चाइना के अंदर ओलंपिक्स हो रहे थे, और ओलंपिक जब खत्म हुए ना, खत्म होते ही रशिया ने वॉर कर दिया, पॉइंट नंबर वन। अच्छा ओलंपिक्स थे तो पुतिन जो थे वो चाइना के पास थे, ठीक है, चाइना के अंदर थे, और चाइना के अंदर कुछ सीक्रेट टॉक्स भी हो रही थी उनकी, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उस वक्त यूक्रेन वॉर से जस्ट पहले एक इनका नो लिमिट पार्टनरशिप हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी जो पार्टनरशिप होगी वो नॉन लिमिट होगी अ वीक बिफोर द यूक्रेनियन इन्वेजन। तो ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि चाइना और रशिया ने मिलकर टेबल टॉक्स करे होंगे पहले, ठीक है, और ये डिसाइड करा होगा कि भाई रशिया तुम इस टाइम पर यूक्रेन पे इन्वेजन कर देना, क्योंकि भाई जब ओलंपिक्स चल रहा है तब नहीं हो रहा, उसके एक दिन बाद ही हो जा रहा है खत्म होते ही, ठीक है, तो मतलब चाइना ने बोला होगा रशिया से, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ भी आई थी बीच में कि भाई ओलंपिक्स हो जाने दो उसके बाद तुम कर लेना, प्लस दूसरा कि हाँ तुम कर लोगे तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, यूएस वाले तुम पे सेंक्शन लगाएंगे, तो तुम मेरे को भेज देना, ठीक है। अब देखिए द इन्वेजन रिपोर्टेडली कॉट प्रेसिडेंट जी बाय सरप्राइज बट ही डिड नॉट कॉल आउट रशिया, है ना, अब देखा कैसे, है ना, जी जिनपिंग को जब पता चला तो उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, पर उन्होंने कभी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंस्टेड ही थ्रू इट ए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन प्रोवाइड कर दी बाय एक्सपेंडिंग चाइनीज परचेज ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, रशियन ऑयल और गैस को परचेज करके एक तरह से लाइफ लाइन प्रोवाइड कर दिया किसको, आप देखेंगे रशिया को। रशिया इज ऑल्सो नाउ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द पेट्रोलियम टू चाइना, चाइना के लिए भी लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम कौन है, रशिया ही अभी। दिस टाइटन्ड इकोनॉमिक एंड एनर्जी एम्ब्रेसिस एंड हैज इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, अब यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन होगा बिकॉज रशिया जो है वो इट इज कमिंग क्लोज टू चाइना, है ना, ये चीज आप देखें, रशिया इज कमिंग क्लोज टू चाइना बिकॉज उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे पाकिस्तान इज ऑल्सो विद चाइना, तो रशिया पाकिस्तान और चाइना का अगर अगर इनका नेक्सस बन जाता है अगेंस्ट इंडिया, देन इट इज, अभी तो क्या है इंडिया और रशिया भी पॉजिटिव टर्म है, मान लीजिए इंडिया और रशिया भी नेगेटिव टर्म में हो गया तो एक नेक्सस ऐसा बनेगा जिसको पार करना हमारे लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, और यहाँ पे ध्यान सुनना कि प्रेसिडेंट जो जॉय बाइडन थे, ठीक है, जॉय बाइडन है राइट, यूएसए के, उन्होंने सऊदी अरेबिया से ना लड़ाई सी कर ली, है ना, एक सऊदी अरेबिया की जर्नलिस्ट थे जमाल खाशोगी, ठीक है, जमाल खाशोगी जो थे उनका डेथ हो गया था, उनका मर्डर हो गया था, तो यूएसए बोलता था और जॉय बाइडन ने पर्सनली भी ये बोला था कि इसका सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कराया ये, और सऊदी अरेबिया से हम बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह की बातें करने लग गए थे यूएसए के प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके पास खूब ऑयल था, शेल गैस का रिजर्व भी था, रशिया भी दे रहा था, सब दे रहा था, वॉर था नहीं। तो वॉर से पहले आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट जॉय बाइडन होगा वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर उन्होंने
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज्यादा क्या करा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर। जब ये प्रेसिडेंट बन रहे थे तो उसके अंदर जब कैंपेन चला रहे थे, वो बोल रहे थे सऊदी अरब का ये पर्सन जो है ना बहुत ही खराब आदमी है, और पर्सन पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब खुद उसको एक तरह से पर्सनली उन्होंने क्रिटिसाइज करा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स दैट द प्रिंस वाज कॉम्प्लिसिट इन द मर्डर ऑफ द सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी, जमाल खाशोगी को मारने के लिए, सऊदी जर्नलिस्ट को मारने के पीछे इसका हाथ है, ऐसे ऐसे करा क्रिटिसाइज। और उन्होंने कहा कि हम कोई ट्रेड वेड नहीं करेंगे इनसे, सऊदी अरेबिया से ट्रेड नहीं करेंगे हम, ऐसा ऐसा करने लगे। पर जैसे रशिया और यूक्रेन का वार होगा, अब ये हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं इनके पास, सऊदी अरेबिया के पास, पता है तुम्हें? आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अरे जादव विजेंद्र, आपका ये क्वेश्चन है ना वी शेप और के शेप, ये लास्ट में बताता हूँ ना, कैसे एडिटोरियल के बीच में कैसे बता दो, है ना, बार बार लिखना बंद करें प्लीज, ठीक है। देखिए यूक्रेनियन क्राइसिस हैज फोर्स्ड अ प्रेसिडेंशियल यूटर्न, ठीक है, यूक्रेनियन क्राइसिस के बाद प्रेसिडेंशियल यूटर्न वॉज देयर, ठीक है। लेटर दिस मंथ प्रेसिडेंट बाइडन विल विजिट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया को विजिट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए अभी यूटर्न हो गया ना, यूटर्न में आ गए, पहले तो बहुत प्रेसिडेंट जो बाइडन उछल रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे। सेवरल अदर यूरोपियन लीडर्स वो भी कह रहे हैं कि हम भी सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज के पास जाएंगे, इनसे बोलेंगे, इनसे डिमांड करेंगे कि भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, तुम थोड़ा ज़्यादा क्या करो, थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस कर दो ऑयल, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑयल का डिमांड जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इन लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है, है ना। अब ये एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है ना, पहले सऊदी अरेबिया से अलग हो गए थे, सऊदी अरेबिया से अलग होके फिर यूएसए वापस सऊदी अरेबिया के पास जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देखें, द सिचुएशन इज रेमिनिसेंट ऑफ द मिड 1970s के अंदर बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था बच्चों, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया ने यूरोपियन कंट्रीज को देने से मना कर दिया था, तब भी ये ऐसे हाथ जोड़ कर इनके पास गए थे, राइट। वैसा ही एक इस तरह का सिस्टम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके अंदर, अवर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रशिया इज नाउ द बैड बुक्स ऑफ अवर अदर फ्रेंड्स। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रशिया है ना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर हमारे दोस्त सिर्फ रशिया नहीं है, हमारा दोस्त यूएसए भी है, ठीक है, हमारा दोस्त यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है, हमारा दोस्त मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज हैं जर्मनी है ना, हमारा दोस्त ब्रिटेन भी है, ये भी हमारा दोस्त है, पर रशिया इन दोनों का इन लोगों का दुश्मन हो गया है और रशिया हमारा दोस्त है। तो ये सिचुएशन आपको देख रहे हैं कितनी मतलब हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हमारा जो दोस्त है वो हमारे और दोस्तों के दुश्मन हो गया है। मान लीजिए तुम्हारे ग्रुप सर्किल के अंदर क्या है, ग्रुप सर्किल के अंदर 4-5 दोस्त है मस्त, पर एक दोस्त है ना तुम्हारा बहुत जिगरी था और उसकी लड़ाई हो गई दूसरे लोगों से, तो अब तुम क्या करोगे, तुम तो यहाँ पे इसको भी तुमको करना है कैटर और इन लोगों को भी करना है, समझ में आ रहा है? तो देखिए अवर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड रशिया इज नाउ इन द बैड बुक्स ऑफ अवर अदर फ्रेंड्स, और ये जो है ना अपने दुश्मन, तुम्हारे जो दुश्मन थे ना जैसे चाइना, उनकी गुड बुक्स में आ गया, उसके साथ इन्होंने दोस्ती कर ली, अब रशिया के साथ क्या किया जाए, है ना। तुम रशिया को रखोगे तो ये दोस्त नाराज हो जाओगे, ठीक है, और रशिया को रखोगे तो तुम्हारा एडवर्सरी का भी दोस्त है रशिया, इस तरह की सिचुएशन चल रही। तो ये लाइन सबको समझ में आई, इज दिस क्लियर विद एवरीवन, जल्दी से बताएं, ये क्लियर है, ये क्लियर है, जल्दी से बताएं प्लीज। एंड देखिए प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, है ना, आप लोग शेयर नहीं कर रहे मुझे पता है, ठीक है, प्लीज शेयर करें, जब भी आकर ये इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत मेहनत है मेरी, फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कोई दूसरे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकता था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है किस तरह के एनालिसिस अभी चल रहे हैं, ठीक है, बट इस तरह के एनालिसिस जो होंगे वो आपको डीप नॉलेज देंगे, ये आपकी कॉपी में छप जाएगा, मतलब कॉपी में आ जाएगा बस लिखे आपको, राइट। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये चीज़ें आप करेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मैं और इनोवेशन इसके अंदर नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। अच्छा आप शेयर नहीं भी करते हैं तो 1-2 महीने तो मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है ना, ऑन कोर्स, ठीक है, मैं इसको चलाऊंगा किसी भी तरह, ठीक है, बट अगर शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है, योर रेस्पॉन्स इज वेरी लुकवॉर्म रेस्पॉन्स, ठीक है, आई नीड कि आप बहुत ही एक्टिवली रेस्पॉन्ड करें ना, ठीक है, हम आपको इतने एग्रेसिवली पढ़ा रहे हैं, आप भी एग्रेसिवली रेस्पॉन्ड करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, ठीक है, कि ये वीडियो देखो उसको, इस तरह की चीज़ें करें, तभी जाकर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा तभी हम मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ लाऊँ। अभी मेरा प्लान है कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाऊँ, बट अगर ऐसा रहेगा तो कैसे लेकर आऊँ, ठीक है, तो आप शेयर करें इसको, शेयर इट वाइडली। चलिए, द गल्फ कंट्रीज आर क्रूशियल फॉर अवर एनर्जी सिक्योरिटी, बट रशिया हैज रिप्लेस्ड देम
एज अ प्रिंसिपल सप्लायर। अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि हम जो पहले सऊदी अरेबिया से लेते थे अब रशिया से लेने लग गए, सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा, ये सीनारियो देख रहे हो। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी हमसे नाराज, वाट मस्ट वी डू टू नेविगेट द कॉन्सिक्वेंशियल क्रॉस करंट्स। अब इतने सारे क्रॉस करंट्स हो रहे हैं कि एक से बात कर रहे हैं दूसरा नाराज हो रहा है, ठीक है, एक जो है वो हमारे दुश्मन से जाके मिल जा रहा है, हमारा दोस्त हमारे दूसरे दोस्तों से जाके क्या कर रहा है, दूसरे के दोस्तों के साथ जाके लड़ाई कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन के अंदर इंडिया कहाँ है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखता, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास, ठीक है, ये आज की क्लास के बारे में। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, ठीक है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल और एक दिमाग के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए, ऐसे सोच कर भी आए कि भाई हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमारा दिमाग जो होगा वो खुलेगा, ठीक है, हमारा पूरा दिन अच्छा बनेगा, ऐसे खुद भी सोचोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी थोड़ी सी आपको, ठीक है। और इसको डेली देखने की आदत बनाए, ठीक है, कम से कम 6 मंथ्स इसको डेली देखें, जैसे डॉक्टर बोलता है ना 6 महीने ये दवाई डेली लो, इसीलिए लिखा है डेली डोजेज, इसका अगर आप टाइटल देखें डोज मिल रही है आपको डेली की, और डेली की डोज मिलेगी तो आपका 6 महीने तक तो लेनी पड़ेगी दवाई, छोड़ोगे बीच में तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको एक अलग लेवल पर लाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस शुरू किया है, इसको आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, आप इसके ऊपर कमेंट करें सेक्शन के ऊपर, ठीक है, जब भी एक्चुअली कमेंट विल ओपन आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद कमेंट ओपन हो जाता है, तो कमेंट भी करें आप इसके ऊपर, तभी जाकर ये कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और पूरा दिन आपके पास है अभी, पूरे दिन बहुत मेहनत करें, ठीक है, आप प्रिपरेशन के अंदर ही रहें, इधर उधर ना भागें, ठीक है, अभी मानसून भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर मौसम बहुत सुहाना रहता है, पर उस सुहाने मौसम के अंदर छत पे बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है, बालकनी में बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है, इधर उधर घूमे ना, आप पढ़ाई के अंदर फोकस करें, क्योंकि ये जो होगा अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा है, ठीक है, आपके पास 10 से 12 घंटे हैं आपके पास, जिसको आप प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं और जिसको आप वेस्ट भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा सॉरी फॉर दिस वन, ठीक है, सॉरी फॉर कमिंग अगेन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का मैं आंसर देना भूल गया था ना, जाधव जी ने क्वेश्चन पूछा था, सर मेरा एक स्मॉल डाउट है कि इंडियन इकोनॉमी को वी शेप्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं कि के शेप इकोनॉमी बोल सकते हैं, प्लीज़ बताओ सर, ठीक है। तो देखो ये ना ये क्वेश्चन ही रेलिवेंट, मतलब क्वेश्चन ठीक है, मतलब समझने के लिए, बट ऐसा अपन देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, के शेप्ड इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है, वी शेप्ड इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि के शेप्ड इकोनॉमी है, वी शेप्ड इकोनॉमी नहीं, कुछ सेक्टर के अंदर वी शेप इकोनॉमी आपको दिख रही होगी, कुछ सेक्टर के अंदर के शेप्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये समझो, के शेप इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ इज देयर, है ना, कभी टाइम पीरियड पे अपन को के जैसे कोविड के टाइम पर के शेप इकोनॉमी बोल सकते थे, ठीक है, कोविड के टाइम पर आप के शेप इकोनॉमी बोल सकते थे, क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा है, पर कुछ सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं बहुत अच्छे और कुछ सेक्टर बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है, कोविड 19 का टर्म जो था, इसको अपन के शेप बोलते हैं, कुछ तो ऊपर जा रहे हैं और कुछ नीचे जा रहे हैं, आर यू गेटिंग दिस वन, के शेप इकोनॉमी क्या है, ये समझ में आया। तो कोविड 19 के टाइम पे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के शेप हो रही थी, कोविड 19 के टाइम पर, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा है ना के शेप्ड, तो ऐसा आप आउटराइटली नहीं बोल सकते कि इंडिया की इकोनॉमी जो है के शेप्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया, ये कोई ऐसा टर्म नहीं, जनरल टर्म है, ठीक है, दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर, या तो के शेप होगी या वी शेप होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, इस तरह का इकोनॉमी। अब वी शेप का मतलब क्या है कि इसके अंदर रिकवरी हो रही है, वी शेप के अंदर पहले आपकी इकोनॉमी यहाँ पर थी, मतलब मान लीजिए इकोनॉमी यहाँ पर थी, फिर इकोनॉमी गिरी 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 इतनी गिर गई, ठीक है, फिर एकदम से वापस रिकवरी वाले फेज के अंदर आ गई, ये है वी शेप्ड इकोनॉमी, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वी शेप्ड। तो कभी कभी अपन वी शेप इकोनॉमी देखते हैं, कभी के शेप्ड इकोनॉमी देखते हैं, जैसे कोविड 19 के टाइम पर क्या था, के शेप्ड इकोनॉमी थी, अब कोविड 19 खत्म हो गया तो थोड़ा वी शेप की तरफ जा रहा है, अभी भी कहीं कहीं सेक्टर्स में आप देखोगे, कुछ कुछ सेक्टर्स के लेकर बैठ जाओगे तो के शेप्ड इकोनॉमी भी दिख जाएगी आपको। तो इस तरह से इसको आप कंप्लीटली ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं कर सकते कि इंडिया का ये है, समझ में आ रहा है जाधव जी, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, जल्दी से बताओ, कहीं चला नहीं गया उस लड़के के लिए, मैं वापस आऊँ, ये खुद चला गया होगा, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, जाधव जी आर यू देयर, चलिए चलिए, आई होप कि उन्होंने साइन ऑफ कर दिया होगा, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।